धनतेरस एवं दिवाली के अवसर पर बम्पर ऑफर के साथ लगातार 6 वर्षों से आपकी सेवा में गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम हाई स्कूल के सामने नवशिया। हमारे यहाँ त्रिवेणी अलमीरा, वैशाली अलमीरा, गोदरेज, शीशम सागवान पलंग, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग सेट, सोफा सेट, ऑफिस फर्नीचर सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग के सामान काफी सस्ते मूल्य में उपलब्ध है। धनतेरस के अवसर पर 10,000 की खरीदारी 5 ग्राम एवं 20,000 की खरीदारी 10 ग्राम का चांदी का सिक्का उपहार में प्राप्त करें। विशेष ऑफर 1.5 लाख या उससे अधिक की खरीदारी पर 1 सोने का सिक्का प्राप्त करें। संपर्क करें सौरभ जैसवाल 9709610052829294। गौरी शंकर फर्नीचर शोरूम हाई स्कूल के सामने नगर। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। चिराग बोले, तीसरे चरण के जेडीयू नेता बीजेपी प्रत्याशियों के साथ कर रहे हैं भीतरघात, भाजपा का दें साथ। बिहार में आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। इस बीच चिराग पासवान ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि तीसरे चरण में जेडीयू नेता बीजेपी के साथ भीतरघात कर रहे हैं, लेकिन लोग बीजेपी का साथ दें। दिन ही प्रत्याशी की कोरोना से मौत, पटना एम्स में चल रहा था इलाज। बिहार में आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है। इस बीच बेनीपट्टी के निर्दलीय उम्मीदवार नीरज झा की कोरोना से मौत हो गई है। जिस जगह से वे खड़ा हुए थे वहां आज ही मतदान है। पूर्णिया बूथ पर असामाजिक तत्व कर रहे थे हंगामा, पुलिस ने की लाठीचार्ज और फायरिंग। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के बीच पूर्णिया के धमधा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बूथ संख्या 282 में मतदाता और पुलिस बल के बीच झड़प हो गई है, जिसमें सीआईएसएफ के जवान ने गोली चला दी है। गांव वालों के अनुसार उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा था और फायरिंग भी की जा रही थी। वहीं 3 वोटरों को हिरासत में लेने की बात भी कही गई है, जिससे गाँव वालों में आक्रोश देखा गया है। ससुराल वालों ने महिला को जिंदा जलाया, 2 लाख रुपए दहेज नहीं मिलने पर बहू को मार डाला। जिले के पुंछड़ी गांव से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां दहेज नहीं मिलने को लेकर एक विवाहिता को उसके ही ससुराल वालों ने जिंदा जलाकर मार दिया है। इस घटना के संबंध में मृतक महिला के पिता ने पुलिस में शिकायत की है। पुलिस इस घटना की छानबीन में जुटी हुई है। निर्दलीय उम्मीदवार नीरज झा का निधन, पिछले कई दिनों से थे एम्स में भर्ती। बिहार विधानसभा चुनाव की तीसरे चरण और आखिरी चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर मतदान चल रहा है। इस बीच एक दुखद खबर मधुबनी से आई है, यहां की बेनापट्टी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार नीरज झा का निधन हो गया है। कोरोना संक्रमित नीरज पिछले कई दिनों से एम्स में भर्ती थे। बताया जा रहा है कि नीरज झा पिछले कई दिनों से कोरोना से संक्रमित थे। 10 दिन पहले उन्हें एम्स पटना में भर्ती कराया गया था। उन्हें मधुमेह की भी शिकायत थी। महुआ में चेकिंग के दौरान पुलिस ने 21 किलो चांदी और 800 ग्राम सोना पकड़ा, हो रही अग्रिम कार्रवाई। बिहार विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान में 15 जिलों के 78 विधानसभा सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर सभी 15 जिलों में चौकसी बरती गई है। चुनाव वाले जिले में बाहर से आने जाने वालों पर पैनी नजर रखी गई है। सुरक्षा बलों की ओर से सघन वाहनों की चेकिंग की जा रही है, ताकि असामाजिक तत्वों की ओर से मतदान में कोई व्यवधान ना हो सके। गोपालपुर नाव दुर्घटना में घटना के 3 दिन बाद बरामद हुआ पप्पू यादव की पत्नी का लाश। बिहार के भागलपुर जिले में हुए नाव दुर्घटना में पूरा इलाका मातमी माहौल में जी रहा है। अभी भी कई लापता लोग की तलाश जारी है। इसी तलाश के दौरान आज एनडीआरएफ की टीम ने तीसरे दिन पप्पू यादव की पत्नी सीता देवी का शव गंगा नदी से बरामद किया। घटना स्थल के करीब आधा किलोमीटर दूर एनडीआरएफ की टीम को सीता देवी की लाश बरामद हुई है। अभी भी कई लाश के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है।
सिंचाई ऑफिस के कैंपस में लगी भीषण आग। मौके पर कई दमकल की गाड़ियां समेत अधिकारी मौजूद। बिहार के सिवान जिले से यह घटना सामने आ रही है, जहां ऑफिस के कैंपस में भीषण आग लग गई है। कैंपस में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया, सभी इधर उधर भागने लगे। वहीं मामले की जानकारी नजदीकी पुलिस को दी गई तथा मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फिलहाल मौके पर दर्जनों अधिकारियों के साथ फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। पूर्णिया के धमधा में वोटरों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प। जवानों ने हंगामा रोकने के लिए की हवाई फायरिंग। बिहार विधानसभा चुनाव के मतदान के आखिरी चरण में पूर्णिया में हवाई फायरिंग की खबर मिल रही है। जिले के धमधा में 82 नंबर पोलिंग बूथ पर अर्धसैनिक बल ने असामाजिक तत्वों पर फायरिंग की है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच श्रीनिवास ने फायरिंग की पुष्टि की है। मां के साथ वोट डालने पहुंची पुष्पम प्रियम चौधरी, सीएम पद की दावेदारी से पलटी। पुलर्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने दरभंगा में अपने मां के साथ वोट डाला। वोट डालने के बाद पुष्पम प्रिया चौधरी ने कहा कि लालू जी और नीतीश जी से बिहार को मुक्त करना है। इसके साथ ही पुष्पम प्रिया चौधरी ने सीएम पद के दावेदारी से पलटी मार ली। पुष्पम ने कहा कि उन्होंने अपने लिए मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी नहीं की थी, बल्कि उम्मीदवारी जताई थी। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाए होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371178773250523 7